कैसे हैं आप लोग? तो निफ्ट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये जो कॉमन मेरिट रैंक एंड कैटेगरी मेरिट रैंक है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में ये है क्या? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो कॉमन मेरिट रैंक होती है, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो ये कैटेगरी मेरिट रैंक है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमी, ये सारे लोग इसमें बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका जो ये ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में ही आता है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको भी कॉलेज कॉमन मेरिट रैंक पर ही दिया जाएगा, बस आपको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा उसमें। और ये जो आपकी लिस्ट है, ये आपका 23 आई गेस या 21 सितंबर तक आपका काउंसलिंग चलने वाला है। तो ये देखिए, ये रिजर्वेशन की सीट भी आपके सामने है। तो इसमें ईडब्ल्यूएस का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो आपका ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होता है वो 10% का ही होता है। तो अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जनरल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका ईडब्ल्यूएस भी नहीं होता है, उन्हें किसी टाइप का रिजर्वेशन नहीं मिलता। उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमें किस रैंक तक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वैसे तो निफ्टी के सारे सेंटर्स अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको जो टॉप सेंटर्स हों वो मिल जाएँ। तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर है तो आप अच्छी कॉलेज पा सकते हैं, या 500 के अंदर है। अगर उससे बाहर है तो भी आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, बट मे भी ऐसा हो कि आपका जो टॉप कॉलेजेस है वो ना मिले। तो यहाँ पे ये रैंकिंग है कॉलेज की, आप देख लीजिए कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।